स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लर्निंग सपोर्ट पे। हमारे और भी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो है, ताकि मेरा हर भी एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे जो है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो इंग्लिश फ्रेज के बारे में जो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जो है, जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेज के बारे में बताऊंगा, जो कि हर इंग्लिश बोलने वाले को ये जानना बहुत ज़रूरी है जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला फ्रेज है जो इन द प्राइम ऑफ लाइफ, इन द प्राइम ऑफ लाइफ, तो इसका मीनिंग होता है भरी जवानी में जो है। यानी अगर सेंटेंस में अगर भरी जवानी में अगर होता है जो है, तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग जो है इन द प्राइम ऑफ लाइफ का यूज करेंगे जो है, जो कि इंग्लिश फ्रेज है जो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताता हूँ कि वह भरी जवानी में मर गया जो है, वह अपने भरी जवानी में अपने रास्ते से भटक गया जो है, या फिर बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है जो है। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जो है, यहाँ पर मैं ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा नहीं जो है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जो है, इसलिए मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जो है, जो कि आप ताकि आपको समझ में आ जाए जो है। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, अगर सेंटेंस में जो है आप भरी जवानी हो, तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग इन द प्राइम ऑफ लाइफ पे यूज करेंगे जो है। यानी इन द प्राइम ऑफ लाइफ मीन्स भरी जवानी में जो है। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो वह भरी जवानी में मर गया जो। यहाँ पर देख सकते हो भरी जवानी सेंटेंस में आया जो है, तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग इन द प्राइम ऑफ लाइफ यूज करेंगे। तो वह के लिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जो ही हो जाएगा जो है ही, और यहाँ पर मर जाना यानी मर गया जो, यानी पहले ही मर चुका है जो, यानी पास्ट पास्ट का सेंटेंस है जो है, इसीलिए जो डेथ को जो है यहाँ पर डाइड यूज करेंगे, ही डाइड। वह मर गया जो है भरी जवानी में जो है, इन द प्राइम ऑफ लाइफ, इन द प्राइम ऑफ लाइफ, इन द प्राइम ऑफ लाइफ, वह भरी जवानी में मर गया, ही डाइड इन द प्राइम ऑफ लाइफ। तो अगला फ्रेज आपका जो इन टोटो, इन टोटो मीन्स होता है सबके सब। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ उसने सबके सब प्रस्ताव को जो स्वीकार किया जो है, तो अगर सेंटेंस में जो है सबके सब आ रहा है, यानी ऑल जो है, यानी सबके सब आ रहा है, तो उस तरह के सेंटेंस में हम इन टोटो यूज करें। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर जो है कि सबके सब बेईमान है जो है, तो यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे सेंटेंस को जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जो है वह बेईमान है सबके सब। यानी अगर सेंटेंस का जो डायरेक्टली अगर सेंस देखो जो है, मीन्स सबके सब बेईमान है या वह बेईमान है सबके सब, यानी पूरे लोगों को कहा जा रहा है। अगर फैमिली में अगर सारे लोग मेंबर है जो है, मीन्स सबके बारे में कहा जाए सबके सब बेईमान है या वह बेईमान है सबके सब जो है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वह बेईमान है जो है, ही इज डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर लास्ट में आया सबके सब जो, तो सबके सब के लिए जैसा हमने बताया इन टोटो जो है, ही इज डिसऑनेस्ट इन टोटो, यानी वह बेईमान है सबके सब, ही इज डिसऑनेस्ट इन टोटो। तो अगला फ्रेज है दोस्तों इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन इन द सेंस होता है जो किसी चीज़ के अंत में जो है। अगर सेंटेंस में अगर अंत में आता हो जो, तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग इन द लॉन्ग रन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ जो है कि हर बेईमान आदमी अंत में हारता है, या हर ईमानदार आदमी अंत में जीतता है, इस तरह से बहुत सारा सेंटेंसेस हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस हो सकता है जो है। तो अगर यहाँ पर मैं जस्ट एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेंटेंस को बनाता हूँ जो है, और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि एक बेईमान आदमी हमेशा अंत में हारता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो अंत में आया है, तो अंत में के चलते यहाँ पर या ये ऊपर जो है नहीं होगा, जो अंत में हारता है जो है, दोनों से किसी तरह से लिख सकते जो, तो सॉरी अंत में हारता है जो, यानी एक बेईमान आदमी हमेशा अंत में हारता है, तो अंत में सेंटेंस में आया जो है। तो इस तरह के सेंटेंस में इन द लॉन्ग रन का यूज़ करेंगे जो है, जो कि एक इंग्लिश फ्रेजेस है जो है। तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, एक बेईमान आदमी, ए डिसऑनेस्ट पर्सन, ए डिसऑनेस्ट पर्सन हमेशा, ए डिसऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज हारता है जो है, यानी एक बेईमान आदमी हारता है, ए डिसऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज लूज, एक बेईमान आदमी हारता है हमेशा अंत में जो है, ए डिसऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज लूज इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन यानी अंत में के लिए जो इन द लॉन्ग रन हो गया जो है, यानी एक बेईमान आदमी हमेशा अंत में हारता है, ए डिसऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज लूज इन द लॉन्ग रन। तो अगला फ्रेज है दोस्तों जो इन वेन, इन वेन मीन्स होता है जो व्यर्थ में या बेकार में जो है। अगर सेंटेंस में अगर व्यर्थ में या फिर किसी चीज़ के बेकार का अगर बात होता हो, उस तरह के सेंटेंस में हम लोग जो इन वेन का यूज करेंगे जो है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जो किस तरह का सेंटेंस होगा जो है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, डॉक्टर ने लड़की को बचाने की कोशिश की पर व्यर्थ रहा जो, यानी डॉक्टर ने कोशिश तो किया पर जो है डॉक्टर उस बच्ची उस लड़की को बचाने में जो है बेकार रहा, असमर्थ रहा, या फिर ये व्यर्थ बोले या बेकार में या असमर्थ जो है, असमर्थ, ठीक है।
असमर्थ होना जो है, यानी इनवेन जो है। तो डॉक्टर ने लड़की को बचाने की कोशिश की पर व्यर्थ रहा जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यर्थ रहा जो, यानी असमर्थ रहा जो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग जो है इनवेन का यूज़ करेंगे जो है। इससे को हम ट्रांसलेट करके बता देते हैं किस तरह से ट्रांसलेट करना जो है। द डॉक्टर ट्राई टू सेव द गर्ल्स। डॉक्टर ट्राई टू सेव द गर्ल्स लाइफ। सेव द गर्ल्स लाइफ। डॉक्टर ने लड़की को बचाने की कोशिश की। द डॉक्टर ट्राई टू सेव द गर्ल्स लाइफ बट पर व्यर्थ रहा जो, बट इन वेन। यानी इसको अगर पूरा ट्रांसलेट कर दीजिए तो डॉक्टर ट्राई टू सेव द गर्ल्स लाइफ बट इन वेन। डॉक्टर ने लड़की को बचाने की कोशिश की पर व्यर्थ रहा जो है। तो अगला फ्रेज आप देख सकते हैं जो है इन वोग। इन वोग मीन्स होता है जो है किसी चीज़ का चालू होना जो है। अगर मैं कहता हूँ जो है कि वह रीति रिवाज चालू नहीं है, यानी बंद हो चुका है जो है। तो अगर चालू नहीं मैं बोलता हूँ जो, तो इट मीन्स बंद हो चुका है। तो इन वोग का यूज कर सकती है, मीन्स चालू है जो है। अगर मैं कहता हूँ जो है कि कोर्ट में अभी भी वही पुराना नियम ही चालू है जो है, या फिर अगर मैं कहता हूँ जो है कि अब पुराना नोट चालू नहीं है जो है, इट मीन्स चालू अगर सेंटेंस में आता है जो है, यानी अभी भी चल रहा है कोई चीज़ है, तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग इन वोग का यूज करेंगे जो है। एग्जाम्पल देख सकते हैं जो है कि यहाँ रीति रिवाज अब चालू नहीं है। तो यहाँ सेंटेंस में देख सकते हैं, यानी चालू चालू अगर सेंटेंस में आया है यहाँ पर इन वोग का यूज करेंगे जो है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो यह का जो है दिस हो जाएगा, रीति रिवाज का जो दोस्तों कस्टम हो जाएगा। सो दिस कस्टम, यह रीति रिवाज इज नॉट वोग नाउ। वोग नाउ मीन्स अब चालू नहीं है। इज नॉट वोग नाउ जो है, इज नॉट वोग नाउ, यह रीति रिवाज अब चालू नहीं है। दिस कस्टम इज नॉट वोग नाउ। इस तरह से आप जो है वोग नाउ को, इन वोग का जो है आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं जो है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दिस कस्टम इज नॉट इन वोग नाउ जो है, जैसा कि मैंने बताया इन वोग नाउ लिखना है जो है। इन वोग मीन्स जो है चालू होना जो है। तो दिस कस्टम इज नॉट इन वोग नाउ जो है, यह रीति रिवाज अब चालू नहीं है जो है। तो अगला फ्रेज आपका दोस्तों इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ मीन्स होता है के विचार से, यानी किसी चीज़ के विचार से अगर सेंटेंस में हो जो है, तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग जो है इन व्यू ऑफ यूज़ करेंगे। उसमें बहुत सारा सेंटेंसेस हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल ही बहुत सारा बताया जो है। तो ऐसा नहीं कि मैं जो एग्जांपल बता रहा कि वही एग्जांपल आपको सेंटेंस में यूज करना है, जरूरी नहीं है जो है। यानी अगर इस तरह का विचार से अगर सेंटेंस में आता हो जो है, तो उस तरह के सेंटेंस में जो है हम लोग जो है इन व्यू ऑफ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेंटेंस में बता देता हूँ जो है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए उसके दयनीय स्थिति के विचार से जो है। यानी किसी चीज़ के विचार को करते हुए जो है अगर सेंटेंस में हो, तो इन व्यू ऑफ का यूज़ करेंगे जो है। उसको हम ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए जो है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए के विचार से, यानी दयनीय स्थिति के विचार से। यहाँ पर जो इन व्यू ऑफ का यूज करेंगे जो है, वी शुड हेल्प हिम इन व्यू ऑफ मीन्स के विचार से जो है, किस चीज़ के विचार से जो है, उसके पिटिएबल कंडीशन यानी दयनीय स्थिति के बारे में, यानी ऑफ उसका उसके का यहाँ पर हीज हो जाएगा जो, ऑफ हिज पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल कंडीशन। वी शुड हेल्प हिम इन व्यू ऑफ हिज पिटिएबल कंडीशन जो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए उसके दयनीय स्थिति के विचार से, या उसके दयनीय स्थिति के विचार को रखते हुए जो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इन व्यू ऑफ का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, आपका अगला फ्रेज है जो है जस्ट एज। जस्ट एज मीन्स होता है ठीक उसी पर। आपने बहुत बार सुना होगा जो जस्ट एज अगर बहुत सारे सेंटेंसेस में लिखा होता है जो है, उसका मीनिंग होता है ठीक उसी प्रकार जो है। अगर मैं कहता हूँ जो है कि जैसा कि मैंने कहानी बताया, जैसा कि कोई कहानी किताब में लिखा हुआ उसी प्रकार मैंने बोला है जो है, या फिर अगर मैं कहता हूँ जैसा कि आपने मोबाइल में फोटो देखा है ठीक उसी प्रकार वो अंदर वो आदमी है जो है, सॉरी दोस्तों वो आदमी है जो, उसी प्रकार अगर सेंटेंस में आता है यानी ठीक उसी प्रकार, उस तरह के सेंटेंस में हम लोग जस्ट एज का यूज करेंगे जो है। तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं जो, जैसा कि कहानी है ठीक उसी प्रकार मैं बोला हूँ जो, यानी जैसा कहानी था सेम टू सेम मैंने उसी तरह का बोला है जो, उस तरह के सेंटेंसेस में जो है जस्ट एज का यूज करेंगे जो है। तो मैं इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ किस तरह से ट्रांसलेट करना है इसको जो है, कि जैसा कि कहानी है जो, द स्टोरी इज द स्टोरी। यहाँ पर जो दोस्तों जस्ट जस्ट द स्टोरी नहीं लगाना, क्योंकि जस्ट एज जो दो बार आ जाएगा, इसलिए जो है डायरेक्टली अब जो है द स्टोरी इज, यानी अगर द स्टोरी इज अगर मैंने लिख दिया और उसके बीच में जस्ट एज लगा दिया जाए,
जो सेंटेंस का मीनिंग हो जाता है, जैसा कि कहानी है जो है ठीक उसी प्रकार में बोला हूँ, जो द स्टोरी इज जस्ट एज, द स्टोरी इज जस्ट एज आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, जैसा कि कहानी है ठीक उसी प्रकार में बोला हूँ, द स्टोरी इज जस्ट एज आई टोल्ड यू। दोस्तों अगला फ्रेज आपका जो है लुक फॉर, लुक फॉर मीन्स होता है किसी चीज़ को खोजना, या फिर आप अगर बोले तो ढूंढना जो है, ढूंढना खोजना या ढूंढना। अगर मैं कहता हूँ कि जो है मैं एक जॉब की तलाश में हूँ, या मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ, या मैं एक नौकरी खोज रहा हूँ, इट मीन्स उस तरह के सेंटेंस में हम लोग जो है लुक फॉर का यूज करेंगे। जो अगर मैं कहता हूँ जो है फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक, अगर सेंटेंस में हो कि मैं एक नौकरी खोज रहा हूँ, यानी खोजना हो या फिर ढूंढना हो या फिर तलाश करना, तो उस तरह के सेंटेंस में जो है लुक फॉर का यूज करेंगे। जो है फॉर तलाश करना में हम लोग सर्च का यूज करते हैं जनरली जो है, या फिर इनक्वेस्ट ऑफ का यूज करेंगे जो है, लेकिन जस्ट मैं बोल दिया हूँ जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर खोजना या फिर ढूंढना के इंग्लिश में जो हम लोग लुक फॉर का यूज करेंगे जो है, कि आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, फॉर ए जॉब, मैं एक नौकरी खोज रहा हूँ जो है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जो है। तो अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो है, और पुराने हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें जो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।